तो अभी हमने जो भी अपनी बूटेबल पेन ड्राइव लगाई थी उसने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली ये चीज आपके सामने आएगी, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा और इंस्टॉल नो पे क्लिक कर देना होगा। इंस्टॉल नो पे क्लिक करने के बाद सेटअप स्टार्टिंग आपको वेट करना होगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है। जब भी आप अपनी विंडो को यहाँ पे न्यू इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, आपको वेट करना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि कैसे आप अपने ओल्ड पीसी को बूट करके न्यू सेटअप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या होगा कि आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपग्रेड, देखिए इसमें क्या होता है कि विंडो की इंस्टॉल विंडो एंड की फाइल सेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस, तो हमने इसको कुछ नहीं करना, आप सिंपली कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारी 500 GB की SSD थी वो यहाँ पे आ चुकी है, बट यहाँ पे देखें कि वो 465 आती है स्पेस, क्योंकि जो बाकी की रहती है वो ओवर कवर हो जाती है। इसलिए जब भी आप कोई SSD या कुछ भी मेमोरी कार्ड वगैरह लेते हैं तो पूरी जितनी वहां पे शो की होती है वो अंदर एलोकेटेड नहीं होती। तो यहाँ पे हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे कॉपिंग विंडो फाइल्स, तो आपको वेट करना होगा जब तक ये 100 कंप्लीट ना हो जाए, तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पे 1% 7% जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, अगर मैं क्लियरली दिखा पाऊँ आपको, तो यहाँ पे मैं इसको साइड पे रखूंगा ताकि आपको कंप्लीटली दिखता रहे। सेवेंटी सिक्स परसेंट 78% 79%, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 85% हो चुका है, 86%। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्किप किया वीडियो को ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे जैसे 100 होगा तो ये जो भी आपकी कॉपिंग विंडो फाइल है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, तो आपको वेट करना होगा इसका। रीस्टार्टिंग, नीड्स टू रीस्टार्ट कंटिन्यू, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, तो आपको वेट करना होगा। ये काफी 2013 का मेरा जो ये डेस्कटॉप है सेकंड हैंड मैंने लिया हुआ है, तो इसका जब आप सीरियल नंबर चेक करते हो तो वहां पे दिख जाता है कि कब का ये है, तो आपको वेट करना होगा। यहाँ पे देखिए अभी विंडो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी लोगो, तो फर्स्ट में थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा रिस्टार्ट करके, तो उसमें आपको दिखेगा कि कितना इसमें बूट टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, अंदर की जो परफॉर्मेंस है यूज़ करने की वो भी काफ़ी अच्छी होगी, तो वो चीज़ मैं आपको पूरी दिखाऊंगा यहाँ पे, तो वेट करना होगा। देखिए मैंने इस वीडियो को काफ़ी कम स्किप किया है ताकि आपको एक एक स्टेप दिख सके, क्योंकि कुछ लोग जो वीडियो बनाते हैं जहाँ आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो वीडियो को स्किप करते तो आपको भी लगता है कि उनका जल्दी हो गया बट हमारा क्यों नहीं जल्दी हुआ। तो ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए पूरा दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जब भी आप ये इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ये ना सोचे कि आप वीडियो में फास्ट हो गया तो हमारा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो स्किप किया होता है वीडियो को, बाकी कुछ नहीं होता, ये टाइम इतना ही लगता है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इसके ऊपर मैंने बहुत कम स्किप किया वीडियो को, टोटली बना दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आपका टाइम लग रहा है तो यहाँ पे भी टाइम लगता है विंडो को इंस्टॉल करने में, गेटिंग स्टार्टिंग आपको गेटिंग रेडी आपको शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे वेट करना होगा। ये ना सोचे कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो काफ़ी स्लो चल रहा है, तो SSD अपग्रेड करने के बाद स्लो चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको वेट करना होगा। ये जैसे आपका एक बार सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद आपका बूट टाइम काफ़ी स्लो होगा, लगभग लेस देन 10 सेकेंड्स में आपका जो PC जहाँ आप डेस्कटॉप जो भी आपका है का वो ऑन हो जाता है लेस देन 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा नेक्स्ट पेज, तो आपको वेट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लगेगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अपना डेस्कटॉप रखा हुआ है तो ये पेन ड्राइव मैंने लगा